जी सामने के व्यूअर्स, मैं हूं मुस्तफ़ा शेख, आपका मेज़बान। देख रहे हैं आप बीटीएन न्यूज़। आज हम मौजूद हैं जूना मॉल में, बैलीज जो है वो शूज़ ब्रांड की ग्रैंड ओपनिंग पर। तो आइए आपको ये जो ग्रैंड ओपनिंग का इवेंट है इसे मुतारिफ करवाते हैं एज़ यूजुअल, और आए हुए कुछ मेहमानों से और यहाँ के जो गेस्ट हैं उनसे बात करते हैं। जी सामने के व्यूअर्स, मैं हूं मुस्तफ़ा शेख, देख रहे हैं आप बीटीएन न्यूज़, और आज हम मौजूद हैं बैलीज शूज़ ब्रांड की ग्रैंड ओपनिंग पर, और ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए उनसे तारुफ लेंगे और बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम, अदनान नाम है मेरा और बैलीज शूज़ का ऑनर हूं मैं, और कराची का हमारा ये ब्रांड है 50 साल पुराना। इसकी आज लाहौर में हमने फर्स्ट ब्रांच की ओपनिंग रखी है, और इंशाल्लाह भी आगे और भी ब्रांचेज आ रही हैं हमारी पंजाब के अंदर। जी बहुत सारी अप्रिसिएशन मुबारकबाद पेश करेंगे, तो सर कराची के बाद लाहौर में क्या तहलका मचाने वाले हैं? बस देखते हैं, ये तो अभी पता चलेगा। अभी तो हमें मतलब उम्मीद तो बहुत है, क्योंकि काफ़ी सालों से हमारे क्लाइंट एलिया मौजूद थी। बाकी अब देखते हैं हमें क्या रिस्पांस मिलता है। बाकी हमें पूरा यकीन है अपनी क्वालिटी पर और अपनी चीज़ पर कि हम डिलीवर कर सकते हैं आगे मज़ीद अच्छा। जी तो सर ग्रैंड ओपनिंग पर कोई खसूसी कोई डिस्काउंट ऑफर या कोई ऑफर भी रखी गई? नहीं, हमारी ज़िंदगी की पॉलिसी रही, हमने कभी सेल और डिस्काउंट के ऊपर काम नहीं किया। सिर्फ अपनी क्वालिटी को हमने टारगेट किया है कि हम कस्टमर को उससे अपना कस्टमर को रिपीट लेकर आए। हमें कभी डिस्काउंट सेल की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम कस्टमर को बुलाए अपने पास। सर ये फर्स्ट ब्रांच है लाहौर में, इसके बाद मज़ीद भी ओपन करने का प्लान है लाहौर में? इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ एक और ब्रांच हमारी ओपन हो रही है लाहौर में, और उसके बाद जनवरी या फरवरी तक एक दो और आ जाएंगी। तो इंशाल्लाह पूरा इरादा है पंजाब हमें कवर करना है पूरा। जी सर हमने यहाँ पे शूज़ वैरायटीज़ देखी हैं, और बहुत ज़्यादा हमें स्टाइलिश वैरायटीज़ यहाँ पे देखने को मिली है, कंफर्टेबिलिटी भी है, तो कुछ फैशन लवर्स के लिए कोई इनकरेज सा मैसेज दीजिएगा। बिल्कुल, बस फैशन वालों के लिए हम टोटल काम करते हैं। जो चीज़ इंटरनेशनल फैशन में चल रही होती है हम उसी के ऊपर और रख तक के अपनी क्वालिटी पे काम करते हैं, और हमारी कोशिश यही होती है कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी हम बना के आगे प्रोवाइड कर पाए, जो कि हम इतने सालों से कर भी रहे हैं मेरा ख्याल है। तो बस थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी व्यूअर्स, आपके हमारे सबके फेवरेट हसन शहरयार साहब यानी HSY हमारे साथ मौजूद हैं, ये बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी आप कैसे हैं? जी ठीक ठाक, इट्स गुड टू सी यू। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। इट्स बीन, मुझे बताइएगा क्या ग्रैंड ओपनिंग खुशी का मौका है, क्या इजहार ख्याल करें? देखिए जी, आजकल बिजनेसेस ओपनिंग कर रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है। मैं जानता हूँ कि ये इकानमी ऑब्वियसली टफ है, मगर इस इकानमी के अंदर अपने लोकल बिजनेसेस का ना सिर्फ साथ देना मगर उनको सपोर्ट करना इन एवरी वे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ अ ग्रेट ब्रांड कराची में ओवर नियरली 46-47 ईयर्स, और अब ये लाहौर आए हैं, और आप जानते हैं हम लाहौरी लोगों को पंजाबियों को बड़ा शौक है हमें टू बी एबल टू बाई ब्यूटिफुल शूज़, नाइस शूज़ एंड कम्फर्टेबल शूज़। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दम, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस न्यू बिगिनिंग, एंड आई विश दम नथिंग बट द बेस्ट। या गुड, आपने यहाँ पे वैरायटीज़ देखी हैं, तो रिकमेंडेशन में क्या कहेंगे? हर चीज़ बहुत अच्छी है, मगर इस वक्त क्योंकि आजकल अभी भी गर्मी है और चप्पलें बड़ी अच्छी लगती हैं, और मैं शलवार कमीज़ बहुत ज़्यादा पहनता हूँ, तो इनकी चप्पलें बहुत हसीन हैं, और मुझे सफ़ेद चप्पल पसंद भी बहुत है, और उनके पास वैरायटी भी बहुत है इसकी। थैंक यू। इसमें सर फैशन लवर्स के लिए कोई इनकरेज सा मैसेज दीजिए? फैशन लवर्स के लिए वही मैसेज है जी जो हमेशा मैं मैसेज देता हूँ, फैशन एक बड़ी अच्छी चीज़ है, मगर उतना फैशन कीजिए और उतना स्टाइल कीजिए जो आप पे सूट करें। बहुत से लोग आई थिंक कभी फैशन के अंदर पागल हो जाते हैं, गुम जाते हैं, गुमे मत, वो चीज़ पहने जो आप पे सूट करें। एट द एंड ऑफ द डे द मोस्ट फैशनेबल थिंग इज दैट दैट लुक्स बेस्ट ऑन यू। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। थैंक यू। जी तो व्यूअर्स, एक गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया, ये बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सर। आपका गुड नेम और शॉर्ट इंट्रोडक्शन? वकार बैट, आई एम अ फैशन फोटोग्राफर, और बस दिस वाज दिस न्यू लॉन्च ऑफ शूज एट बालीज, सो एंड आई लव द कलेक्शन, वेरी गुड एडिशन टू द मार्केट, एंड आई जस्ट होप के क्लाइंट्स आएंगे और लोगों को अच्छी लगेगी। दे हैव अ होल वैरायटी ऑफ कलेक्शन रेंजिंग फ्रॉम सैंडल्स टू शूज टू फॉर्मल शूज टू लोफर्स, सो आई होप, एंड इट्स अ वेरी गुड मॉल, वेरी गुड प्लेस, वेरी गुड एम्बियंस, सो बेस्ट ऑफ लक टू द ब्रांड एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द क्लाइंट्स हु विजिट।
थैंक यू. वेरी वेल सेड. एंड व्हाट वुड यू से इन रिकमेंडेशन? वेरी स्टाइलिश एंड विद वैरायटीज इन कंफर्टेबल शूज. सो व्हाट डू टू फैशन लवर्स? आई थिंक उनके पास एक होल रेंज ऑफ वैरायटी है जिसमें कुछ शूज आर रियली कंफर्टेबल, कुछ सर्टेन शूज आर रियली फैशनेबल, सर्टेन शूज आर रियली ट्रेंडी. और चूंकि आपको पता है आजकल हर एक इंसान का अपना एक स्पेसिफिक पर्सनल टेस्ट होता है, सो आई एम श्योर दे कैन कैटर टू अ होल ऑडियंस. तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक टू देम. थैंक यू सो मच. व्यूअर्स, एक वैल्यूएबल गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया, उनसे तारुफ लेंगे. अस्सलाम वालेकुम, आपका गुड नेम? अस्सलाम वालेकुम, आई एम उमर खान. ओके, किस फील्ड से हैं आप? आई एम अ फैशन स्टाइलिस्ट एंड एन एडिटर. ग्लैड टू हैव योर इंट्रोडक्शन. हम उसे बताइएगा, ग्रैंड ओपनिंग खुशी का मौका है, आपने यहाँ पे शूज देखे हैं, ट्राई किए हैं, क्या कहें? I love the simplicity and it's a family run business and it's I think it's the third generation who's doing this business and they finally opened a store in Zinwa Mall Lahore, which makes it more, even more special, and they have all sorts of leather shoes, so I think it's really nice. Yeah, I think you tried it, so it's very comfortable, stylish design. So what would you say in recommendation? I think one should definitely come here and try it out for themselves. If they like it, they have plenty of stuff, so I think you got something to choose from. Thank you. What would you say to fashion lovers? Fashion lovers, keep loving fashion and just do whatever you feel like doing and just love and spread love. Thank you so much. Ji to viewers, bahut shukriya video watch karne ke liye. Umeed hai aaj ki video aapko pasand aayi hogi. Is tarah ki informative entertaining video dekhna chahte hain to channel ko subscribe kare. So milte hain next video mein. Till then take care. Allah Hafiz.